नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त में माथे पर अंगूठा या रिंग फिंगर रखकर केवल 10 मिनट ये सांसों का महाप्रयोग करें तो आपका आगे चक्र भी खुल जाएगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो भी ठीक हो जाएगा। तो क्या कारण होता है कि आपकी इच्छाओं में रुकावट आती है या आपको बीमारियां घेरती है या आपकी कुंडलिनी शक्ति में प्रॉब्लम आती है, तो वो जानते हैं कैसे इसका सलूशन करेंगे इसी वीडियो में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के कारण ही आपके चक्र ब्लॉक होते हैं। जैसे आप ज़्यादा किसी पे गुस्सा करते हो या अहंकार करते हो तो आपका जो अहंकार से आपका हृदय चक्र ब्लॉक हो जाता है। अगर आप गलत खान पान प्रयोग करते हो तो उससे आपका नाभि चक्र खराब होने लगता है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते, माफ़ नहीं करते तो आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है और इन चक्रों की ब्लॉकिंग से अलग अलग बीमारियां पैदा होने लगती हैं। मूलाधार चक्र खराब हुआ तो कोई अलग बीमारी लग जाएगी और धन संबंधी समस्याएं आने लगेंगी। तो ऐसे ही प्रत्येक चक्र आपके कर्म से संबंधित है। जो भी आप कार्य करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत खान पान करते हैं, कुछ अपने जो ये काम क्रोध मोह लोभ पे ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये आपके कर्म बना देता है जिस कारण आपके चक्र बाधित होने लगते हैं, ब्लॉकेज आने लगती है। उसमें सीधा सीधा आपका संबंध आपके चक्रों से ही है। तो वो 7 चक्र आपके प्रत्येक किए हुए कर्म से प्रभावित होते हैं रोज। तो जब आपके चक्र प्रभावित होते हैं तो उसी संबंधित आपको समस्याएं आती हैं। जैसे आपका विशुद्धि चक्र खराब हुआ तो आपको खांसी की प्रॉब्लम या आपको थायराइड की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम गले का, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो किसी का आगे चक्र डिस्टर्ब हो जाए तो उसके सिर में दर्द रहना, माइग्रेन रहना, डिप्रेशन रहना, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो इस हम सारा कुछ आपके चक्रों से ही संबंधित है और इसे इच्छाएं भी आपकी फिर पूरी नहीं होती अगर चक्र खराब हो। जैसे आपका मूलाधार चक्र ही खराब हो जाए तो आपको धन संबंधित समस्याएं आने लगती हैं और अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो आप कोई इच्छा करते हो, आपका विशुद्धि और आज्ञा चक्र खराब होने के कारण आप कुछ बोलते हो या कुछ सोचते हो वो होता ही नहीं। लेकिन जिनका ये चक्र जागृत होता है, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, वो कुछ भी सोचते हैं तो उन वो जल्दी शीघ्र फलीभूत हो जाता है। तो इच्छाएं भी इसी से संबंधित हैं, बीमारियां ठीक होनी और ना होनी भी इसी से संबंधित है। तो इसको अब शॉर्टकट तरीका क्या है, क्योंकि अगर आप एक एक चक्रों को जागृत करते हैं तो आपको समय लगता है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे आप देखते हो एक पूरी बुक गाइड होती है, उसे पढ़ने के लिए उसमें पूरे एक एक चैप्टर का पूरा सारा कुछ दिया होता है, लेकिन एक उसका एक सैम्पल पेपर आता है जिसे गेस्ट पेपर बोल देते हैं कई लोग, सैम्पल पेपर बोल देते हैं। तो उसमें क्या है, उस किताब के 25-30% निचोड़ निकाल के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर होते हैं, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो उस सैम्पल पेपर में, उस गेस्ट पेपर में आ जाते हैं। अब विद्यार्थी जब वो गेस्ट पेपर याद कर लेता है उसका समय भी बच जाता है और वो पास भी हो जाता है और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उसका समय भी बचा है और उसे याद करने के लिए काम भी थोड़ा लगा है, उसी में से उसको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो ये उसको फायदा हो जाता है। ऐसे ही हमारे अध्यात्म जीवन में ये मुइन तो 7 चक्रों में 6 चक्र बहुत ही जरूरी होते हैं। आगे चक्र तक जागृत होना, 7वां चक्र ऑटोमेटिक जागृत होना शुरू हो जाता है।
तो ये जो छेरों क्षमा चक्र है उसका छठा चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी चक्रों से। इसे ये कह सकते हैं ये आपका इस सभी चक्रों का एक किंग है। तो जब आप इस आगे चक्र को थर्ड आई को अपने जागृत कर लेते हो तब बाकी चक्र अपने आप जागृत अब स्वतः ही हो जाते हैं। वो कैसे, आप जैसे ही आगे चक्र पे ध्यान करते हो या जो हम ये आपको जो विधि बताएंगे श्वास की विधि से अगर ये जागृत करते हो तो बाकी चक्र को ऑटोमेटिक जागृत होना पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र के बीच में है। और जब आप ऊपर का चक्र जागृत करते हो तो इट मीन्स वो उस कुंडलिनी शक्ति को माता को उठकर आपके आगे चक्र पर आना पड़ेगा। और जब वो भेद एक एक चक्र को भेदते हुए आती है तो सारे चक्रों को एक्टिवेट करते 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 तब वो आगे चक्र पर पहुंचती है। तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो इसे कैसे करना होता है वो जान लेते हैं। आपने अपना अंगूठा या अपनी जो रिंग फिंगर है जिसमें अंगूठी वगैरह पहनते हैं हम लोग, क्योंकि ये चक्र आपका जो आपके रिंग फिंगर है वो आपका आगे चक्र की जो आपके रिंग फिंगर है ये हाथों में आपका जो चक्र होता है वो आगे चक्र आपके रिंग फिंगर में ही होता है उसकी टिप्स में। तो जब आप आगे चक्र को आगे चक्र पे लगाते हैं तो वो शीघ्र जागृत हो जाता है। इसलिए हम अंगूठे की जगह ज़्यादातर इस उंगली का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो रिंग फिंगर को आप लगाएं। जिससे हम जब टीका लगाते हैं तो आप देखते हो ज़्यादातर लोग अंगूठे से टीका लगाते हैं या वो रिंग फिंगर से टीका लगाते हैं, तो रिंग फिंगर बहुत ही बेस्ट होता है। अब जो श्वासों का महाप्रयोग है वो कैसे करना है, आपने उंगली वहाँ पे लगाकर और अपने स्थान पर जहाँ भी बैठते हैं बैठ जाए और रिंग फिंगर को लगाकर आपने सांस को भरना है और सांस को छोड़ना है और सांस को महसूस करना है। जैसे आपने सांस के बीच में गैप नहीं आने देना है, कंटिन्यू सांस लेना है छोड़ना है लेना है छोड़ना है लेना है छोड़ना है, कोशिश करें बीच में गैप ना आए। ऐसा आपने 10 मिनट तक करना है। जब आप ऐसा 10 मिनट करते हैं तो ये सांस की जो प्रक्रिया है जो आगे चक्र पे आपने उंगली लगाकर रखी है उससे आपके आगे चक्र को पहले एक्टिवेट करने का आपने वहाँ पे मार्क कर लिया है कि यहाँ से एक्टिवेट हो। और जब आप सांस को बार बार लेते छोड़ते हो बहुत तेजी से जिसमें गैप नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं सांस लिया तो रुक गए फिर छोड़ा, ऐसे नहीं करना है। आपने कंटिन्यू मतलब विराम आपका नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू सांस आपने लेना है। ऐसे करने से आपके भीतर बहुत ज़्यादा जो ये ब्रह्मांडीय शक्ति है वो प्रवेश कर जाती है, जिसे साइंस की भाषा में ये आप कह सकते हो वो ऑक्सीजन ही बोलती है इसे। लेकिन जब ये आप ब्रह्मांडीय शक्ति अपने भीतर खींचते हो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये शक्ति बहुत ही तीव्र बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब उस समय आप ये शक्ति को खींचते हो बाहर निकालते हो फिर खींचते हो बाहर फेंकते हो तो आपके भीतर ऊर्जा भर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा जो वेस्टेज होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। उससे आपके चक्रों में हलचल होनी शुरू हो जाती है। आप जब 10 मिनट का ये प्रयोग करेंगे तो इसके बीच में आप 3-4 मिनट बाद हल्का सा 10 सेकंड 20 सेकंड का विराम लेके देखेंगे तो आप देखेंगे आपके सारे शरीर में एक वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई है। वो वाइब्रेशन आपके चक्रों पर भी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, और जब आपको वो चक्रों पे महसूस होगी तो ये समझ लें किसी किसी चक्र में तो आपको झटके लगेंगे या ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, उसका मतलब यही है कि वो चक्र आपका जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो रही है इस सांसों के महाप्रयोग से। और इससे बहुत तेज़ी से आपके जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऑटोमेटिक 1-2 मिनटों में ही खुल जाती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है।
और वो उठ के आपके आज्ञा चक्र पे आ जाती है। जब आपके ये 10 मिनट हो जाएं तो आप शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। आपका शरीर कांपेगा भी, कोई कोई चक्र भी आपका कांपेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके भीतर आ गई है। अब इस समय आपने प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप कह सकते हैं। आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो गया, आपकी इच्छाएं भी आप जो कहेंगे वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप उस समय उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं, आपका कनेक्शन हुआ होता है। तो आप बिल्कुल हाथ नीचे रखकर अपनी इच्छा को बोल सकते हैं, मन ही मन महसूस करेंगे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है, और पूरी होने के बाद आपको कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, वो आप करें। जैसे आपके पास कार, आपने लेनी थी कार ले ली है, आप महसूस करें आप कार में घूम रहे हैं, खिड़की ऐसे खोली है, आपने दरवाज़ा खोल के अंदर गए बैठे, उसकी फीलिंग लेनी है, इस तरह से आप फील करें। कोई भी इच्छा हो आपकी वो भी पूरी हो जाएगी। और आपके शरीर में जो बीमारियाँ हैं वो चक्र से संबंधित होती हैं, जो चक्र में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वो आपके भीतर जो बीमारी है उसको ऑटोमेटिक ख़त्म कर देती है। तो ये आपको तीनों फायदे इसी एक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दिया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।